नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद, इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट। मैं हूं कुशाग एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। इस जर्नी का नाम है स्वाद के उस्ताद। और एक्साइटिंग हो भी क्यों ना, इंडिया के 10 खूबसूरत शहर, उसमें से चुनिंदा 50 कंटेस्टेंट, और ये सफर अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। और मैं शेफ नितिन कुशाग और आप सबके साथ चेकेंगे इंडिया के 50 कंटेस्टेंट्स की यूनिक रेसिपीज और शॉर्टलिस्ट करेंगे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स। और इस सफर की खूबसूरत शुरुआत के लिए हम आ गए हैं इंडिया की कैपिटल दिल्ली में। चांदनी चौक की तंग गलियां या दिल्ली का पॉश इलाका, दिल्ली का स्वाद दुनिया भर से लोगों को यहाँ खींच लाता है। पराठे वाली गली के डीप फ्राइड पराठे, पुरानी दिल्ली की मुगलई बिरयानी, गर्मा गर्म छोले भटूरे और दिल्ली की वर्ल्ड फेमस चाट, दिल्ली की हर गली में स्वाद का अनोखा जायका है। ऐसा शहर जहाँ के खाने में इतने अलग अलग स्वाद एक साथ हो, वहाँ की पर्सनल किचन का स्वाद कैसा होगा, आई एम रियली एक्साइटेड। शेफ, बिफोर वी गेट इनसाइड, आई वांट टू नो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर यू स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर। सिंपल दो बातें हैं, रेसिपी कोई भी हो अपनी जगह की मिट्टी की खुशबू उसकी प्लेट में होनी चाहिए, और दूसरा स्वाद के साथ साथ तालमेल पक्का होना चाहिए। शेफ, मेरी दिल से और दिल्ली से यही प्रार्थना है कि आपकी ये इच्छा जरूर पूरी हो। तो शेफ, चलें अपने अगले पड़ाव पर। बिल्कुल। स्वाद के उस्ताद के शो के लिए आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसका नाम है शाही टुकड़ा, विच मीन्स अ रॉयल बाइट। और ये रेसिपी मैंने इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि जब बचपन में हम अपने फ्रेंड के यहाँ जाते थे तो उसके फादर हमेशा हमें एक डेजर्ट बना के देते थे जिसका नाम हमें कभी पता ही नहीं था कि वो क्या होता है। तो वो एक ब्रेड को घी में थोड़ा तल देते थे, उसके बाद उस पर स्वीट मिल्क डाल के हमें दे देते थे। तो हमने कभी पूछा भी नहीं कि वो क्या चीज़ होती है। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमें पता चला कि इसका नाम होता है शाही टुकड़ा। जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जो मैं शाही टुकड़ा बनाने जा रही हूँ इसकी रॉयल्टी को मैंने और बढ़ा दिया है। जो मैं ट्विस्ट इसमें देने जा रही हूँ इससे इसकी रॉयल्टी और बढ़ गई है, ये और शाही हो गया है। तो मुझे जरूर पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी और मैं जो थर्ड राउंड के लिए ज़रूर सिलेक्ट होंगी। स्वाति जी, दिस प्लेट्स लुक रियली अमेजिंग। थैंक यू शेफ। प्लीज एक्सप्लेन करिए अपने डिश के बारे में। जी शेफ, जैसा कि आपको पता है मैंने शाही टुकड़ा बनाया है, लेकिन इसमें क्या अलग है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो शाही टुकड़ा है उसको मैंने स्टफ किया है मावा से, और मैंने जो इसमें एक और ट्विस्ट दिया है ये मैंने पिस्ताशियो क्रम बनाया है और इसको व्हाइट चॉकलेट शार्ड्स के साथ मैंने डेकोरेट किया है। स्वाति जी, I really like the taste. Thank you, chef. Presentation is beautiful. Thank you. Absolutely. And जब हम बात करते हैं शाही टुकड़े की, yes, chef. तो generally ये triangle shape में serve होता है, coated with rabdi. Yes, chef. But आपने जो इसको roll किया है, इसमें जो stuffing डाली है, it is going amazing with this rose की जो आपने बनाई है rabdi base में. Rose से बहुत एक refreshing flavor आ रहा है. Thank you, chef. और जो आपने पिस्ताचो क्रंच डाला है, yes. उस क्रंच से आपके जो ब्रेड का और क्रंच है वो और एनहांस हो गया। तो आई लव्ड इट सर, आई कांट वेट। आई थिंक वी शुड जंप इन। टेस्ट कीजिए। वाह, वाकई में स्वाद है। मैं तो चाहता हूँ आप आए नेक्स्ट राउंड में ताकि मुझे आपके हाथ का खाना दोबारा खाने को मिले। थैंक यू सर। बिल्कुल। स्वाति जी का जो शाही टुकड़ा था, मुझे उनका आइडिया ऑफ पेयरिंग बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तीन कंपोनेंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। पहला, जो उन्होंने शाही टुकड़े को मावे से स्टफ किया था, दूसरा उन्होंने जो गुलाब की रबड़ी बनाई, और तीसरा पिस्ताचो क्रम्बल। पर कहीं ना कहीं जैसे कि उनका बेकरी का बैकग्राउंड है, आई थिंक जो उनका पिस्ताचो क्रम्बल था उनका कलर सही नहीं था, जो कि गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। अगर वो कलर वो गोल्डन ब्राउन सर्व करते तो आई एम श्योर उनकी डिश और खूबसूरती से निखर के आती और एक एक्स्ट्रा क्रंच उनकी डिश में जरूर आता। तो मुझे अभी भी याद है,
अंगीठी हुआ करती थी। लंबा चौड़ा परिवार था। सुबह उठते ही दादी जो है हमारी वो काढ़नी के अंदर जो है दाल डाल देती थी और दाल जो है वो करती रहती थी और हम लोग देखते रहते थे कि दाल अब रेडी होगी। और सबसे बड़ा जो मज़ा आता था वो आता था तड़के में, जब लगता था उसमें देसी घी का तड़का, चारों तरफ जो उसकी खुशबू है ना, मिट्टी की जो एक तरह से खुशबू होती है वो हर जगह से बिखर जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम सारे भाई बहन इतनी खुशी से वो इंजॉय करते थे ना। और आज मैं पूरी कोशिश करूँगी दाल मखनी और राइस जो है वो वही टेस्ट आप लोगों को टेस्ट देने का, जो मेरी टीम है नमस्ते इंडिया की, उन लोगों को परोसूँगी। लीजिए, दाल मखनी और जो राइस है वो रेडी हो चुके हैं। मैंने बहुत ही मेहनत से और बड़े प्यार से जो है बनाया है और पूरी कोशिश की है कि एक मिट्टी का जो स्वाद है, जो दादी माँ वाला टेस्ट है, मदनलो वाला टेस्ट है, मम्मी वाला टेस्ट है, वो मैं ला सकूं। तो शेफ़ एक बार आप टेस्ट कीजिए कैसी बनी है रेसिपी। आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आपने क्या इसमें प्रोसेस फॉलो किया है, कैसे आपने बनाया ये? ठीक है मैं बताती हूँ। दाल जो है सबसे पहले इसको रात को भिगो दिया था। जैसे मैंने 1.5 कप जो है वो उड़द की दाल ली, माँ की दाल जो होती है, उसके बाद 1/4 जो कप है वो राजमा लिए क्योंकि राजमा थोड़े कम होने चाहिए। उसके बाद रात भर भिगी रही, मॉर्निंग में मैंने अच्छे से दाल को धोया, उसके बाद प्रेशर कुकर में दाल और राजमा, मैं राजमा को भी धो लिए अच्छी तरह क्लीन करके पानी में डालकर मैंने इसमें हल्का सा ऑयल डाला, देन अदरक लहसुन अच्छी तरह कूट के डाला, मतलब हल्की सी डाली लाल मिर्च और सॉल्ट डाला और इसको मैंने बॉईल करके 2 विसल आई, उसके बाद मैंने फ्लेम बंद कर दिया और जब तक कुकर ठंडा नहीं हुआ मैंने खोला नहीं इसको। और जैसे ही कुकर खुला मैंने इसको अच्छी तरह से हिला दिया तो सर उसके बाद फिर मैंने लगाया तड़का कि जैसे कढ़ाई में मैंने तो दाल में आई कैन फील दैट कि एक वो स्मूथनेस है, वो सिल्कीनेस है, एक मक्खन का जो हम जब दाल मखनी की बात करते हैं तो एक वो बटर की खुशबू होती है, जो एरोमा होती है, आई कैन फील दैट। ओके थैंक यू सर। प्रीति जी ने बड़ी मेहनत से अपनी दाल मखनी बनाई और जब वो दाल बना रहे थे तो मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी थी और उनका जो स्टेप फॉलो कर रहे थे बहुत अच्छे स्टेप फॉलो कर रहे थे, पर जब मैंने उस दाल मखनी को टेस्ट किया तो मुझे वो काफ़ी तीखी लगी। उड़ीसा में एक टीवी चैनल था जिसमें एक शो आ रहा था कुकरी शो, तो हम दोनों पापा बेटी दोनों बैठ के शाम को उसको देखते थे और उसमें जो आइटम आता था पापा उसको बोलते थे इसमें इंग्रेडिएंट क्या चाहिए आप लिखो इसको, तो मैं उसको लिखती थी क्या क्या चाहिए और पापा अपना राजदूत एक उनका था इमीडिएट वो निकलते थे खरीदने के लिए उसको और हम प्लान करते कि नेक्स्ट डे हम ये बनाएंगे। जो भी एक अच्छा काम होता है, शुभ काम शुरू होता है तो पहले हम खीर बनाते हैं, साउथ में भी वही होता है, तो मैंने सोचा मैं फिरनी ही बनाऊंगी। प्लीज़ आप समझाएंगे अपनी डिशेस के बारे में। ये मैं दादी माँ की रसोई से ली हूँ, ये मूंग दाल वाली साबुत मूंग की ये है फिरनी है, ये प्लेन फिरनी, देन दिस इज मैंगो फिरनी, दिस इज राजभोग, इसमें मैंने छोटा छोटा रसगुल्ला बना के डाला है और ये एक पीठा डाल के बनाया है। इसको ये आप बोल सकते हैं कि काकेरा फिरनी, ये उड़ीसा का एक पीठा है उसको डाल के मैंने बनाया, जैसे चॉकलेट फिरनी। आई रियली लाइक द आइडिया, जो भी आपने डिफरेंट फ्लेवर्स बनाए हैं फिरनी के, कहीं ना कहीं जैसे मुझे लगा कि आपने एक बेस यूज़ किया है उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड किए हैं, राइट? तो इसमें क्या हुआ है कि इन दो के अंदर शुगर कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट है, बट मुझे यहाँ पे लगा कि कुछ एक फिरनी में वो लैक कर रहा है। रश्मिता जी की कुकिंग को लेके अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी, कैसे उन्होंने एक पुरानी फिरनी को लेके नए नए कलर्स और नए नए फ्लेवर्स दिए, जैसे उन्होंने उसमें मैंगो फ्लेवर ऐड किया, चॉकलेट फ्लेवर ऐड किया, बहुत अच्छा था वो। बट दो चीज़ें जहाँ पे वो लैक कर रही थी, पहला
एक डेजर्ट के हिसाब से उसमें शुगर कंटेंट मिसिंग थे और दूसरा फिरनी में एक बाइट थी जो कि कभी नहीं होनी चाहिए। कोई गेस्ट आता है मेरे घर में या कोई फेस्टिवल है या मेरे बच्चों की बर्थडे पार्टीज है तो मैं ये डिश ज़रूर बनाती हूँ और मेरे जो गेस्ट हैं इतना पसंद करते हैं कि वो आने से पहले मुझे हमेशा यही बोल देते हैं कि और कुछ बनाना ना बनाना लेकिन दाल मखनी ज़रूर बनाना, तो इसलिए आज मैंने अपनी रेसिपी में ये रखा है। आपकी जो दाल मखनी है उसका जो स्टार्च है बहुत ही अच्छा कुक हुआ है, बहुत अच्छी तरह वो बाइंडिंग आ रही है उसमें एंड जो बाइट है उसमें बटर का और घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये पराठा मैं देख रहा हूँ कि आपने मेथी का पराठा बोला तो है लेकिन लच्छा पराठा बनाया है। हाँ, ये मेथी का लच्छा पराठा है। या, बिल्कुल, मैं खा के देखता हूं। मैंने दोनों ट्विस्ट दे दिए इसमें। सुनीता जी का खाना बनाना और खिलाना दोनों दिल को छू गया, लेकिन जब हम बात करते हैं स्वाद के उस्ताद की, मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं। फर्स्ट टाइम जो मैंने डिश बनाई थी वो थी फिरनी। मेरी मम्मी जैसे बना रही थी तो उसमें क्या होता है ना कि कंटिन्यूस चलाते रहते ताकि वो उसमें वो ना पड़े, लम्स ना आए, तो जैसे मम्मी कहती थी कि तुम चलाते रहो और देखते रहना कि इसमें लम्स ना पड़े, और बीच बीच में वो देख लेती थी, बाकी सारा प्रोसीजर जो होता था वो मैं ही करती थी। वो मुझे बताती थी कि इतना चीनी डालना है, इतना चावल डालना है, इतना दूध डालना है, इतना कंसिस्टेंसी हो जाएगा। तो मैंने एक्चुअली 6th क्लास में ही सीख लिया था कि कैसे बनाना है। एक्चुअली जब बोर होती रहती हूँ, चाहे कोई काम नहीं रहता मेरे पास घर में, तो मैं कुछ भी ट्राई करती हूँ और ये एक मेडिटेशन की तरह होता है मेरे लिए कुकिंग। एक रिचनेस है उसमें, बहुत ही बेहतरीन फिरनी बनाई है आपने, बहुत अच्छी फिरनी बनाई है। बिल्कुल शेफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आपने कहा। तो शेफ, आपको इतना पसंद आया है फिरनी, मुझे सीरियसली अभी तो यकीन नहीं हो रहा है। मैं अंदर से जो खुशी है वो मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट अगर मैं थर्ड राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मैं इससे भी अच्छा आपको कुछ सर्व करूँगी। शाम हो गई है एंड फाइनली हमने अपने सारे घर कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे बहुत मजा आया, दिल्ली ने कंपटीशन का लेवल यहाँ कर दिया है। क्यों शेफ? बिल्कुल, सभी कंटेस्टेंट्स ने काफी अच्छा किया एंड आई एम श्योर बचे हुए कंटेस्टेंट को दिल्ली से कड़ी टक्कर मिलेगी और आपको मिलेंगी बहुत सारी स्वादिष्ट रेसिपीज और उनके पीछे छुपी कुछ खट्टी कुछ मीठी कहानियां। और इसी के साथ दिल्ली की कुछ खूबसूरत यादें लिए हम बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव पर। नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद।